हर साल की तरह इस बार भी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने अपने समर्थकों के साथ सऊदी अरब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना यासूब ने सऊदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जनतुल बकी के निर्माण के लिए आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान शिया समुदाय के दर्जनों लोग शामिल रहे। शहीद स्मारक पर मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में सियाह लिबास में लोगों ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र को मिसमार कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत खुद इस्लामी हुकूमत कहती है और वहाँ के झंडे पर कलमा तो लिखा है, लेकिन रसूल अल्लाह की बेटी जनाबे फातिमा जहरा की कब्र पर कोई साया नहीं है। इसलिए खून से मेमोरेंडम लिख सऊदी हुकूमत और यूनाइटेड नेशन को ये भेजा जा रहा है। और आगे से खलीफा वहां तक मिलता है। ये जी कोशिशें हैं तो ये मोमेंट और ये तहरीक कितने वर्षों से यहाँ जो यहाँ से खबर कोसी कला से है, जहाँ एक महिला के घर में गांव का ही रह